प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पहला अध्याय भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा से परिचित होते हैं। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम परस्पर बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक कहलाता है और दूसरा रूप लिखित। जब हम अपने सामने उपस्थित व्यक्ति से बातचीत या वार्तालाप करते हैं तो वह मौखिक भाषा का रूप होता है, जैसे बातचीत, वाद विवाद, कहानी सुनाना आदि। और जब इन्हीं मौखिक भाषा में प्रकट किए गए भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तब वह लिखित भाषा का रूप होता है, जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, संस्मरण आदि कुछ लिखना। किसी भी भाषा के चार कौशल होते हैं। इन चारों कौशल पर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सर्वप्रथम कौशल है वाचन अर्थात बोलना। दूसरा कौशल है श्रवण अर्थात सुनने की कला भी होना, ठीक ठीक उसको समझना। तीसरा है लेखन अर्थात लिखना, साफ सुथरी लिखना। चौथा है पठन अर्थात पढ़ना, कविता या गद्य को पढ़ते समय आरोह अवरोह का ध्यान रखना। इसी कड़ी में हम आगे लेते हैं मातृभाषा को। घर परिवार में माता पिता के साथ जो हम सबसे पहली भाषा सीखते हैं उसको हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। चूंकि भारत में अनेक प्रांत हैं, अनेक जातियां निवास करती है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जिन्हें बच्चे धीरे धीरे स्वयं ही अपने परिवार में रहकर सबसे प्रथम भाषा सीखते हैं ये ही उनकी मातृभाषा होती है। उदाहरण के लिए मेरी मातृभाषा हिंदी है। यहाँ पर आप अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार अपनी मातृभाषा का चयन करेंगे। तत्पश्चात हम लेते हैं राजभाषा को। राजभाषा का अर्थ है किसी भी देश अथवा राज्य के राजकाज यानी शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। साथ ही देश के अन्य भागों में हिंदी द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। तत्पश्चात है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से आशय है किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अर्थात राष्ट्रभाषा किसी भी देश के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में पिरोती है। आज संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। फिर आता है संपर्क भाषा। विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए जो भाषा एक पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जबकि अपने देश भारत में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। अब हम आते हैं मानक भाषा वर्तनी पर। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषा के मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में कुछ भिन्नता आने लगती है। ऐसी स्थिति में सुशिक्षित एवं विद्वत समाज द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का जो व्याकरण सम्मत रूप होता है वही मानक भाषा कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, नेपाली, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, कश्मीरी, कोंकणी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया और बंगला या बांग्ला। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे बोलियों पर। भारत में बोलियां
जितनी बोलियाँ बोली जाती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप होता है। बोली में 10-15 किलोमीटर की दूरी में ही हल्का सा अंतर आने लग जाता है, किंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। इसीलिए तो कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। हिंदी भाषा में सम्मिलित बोलियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी को रखा गया है। फिर है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। तीसरा है राजस्थानी। इसके अंतर्गत चार बोलियाँ आती हैं, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ोती। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली तीन बोलियाँ आती हैं। और पांचवा है, अंतिम है पहाड़ी, जिसके अंतर्गत मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लिपि पर। लिपि से तात्पर्य होता है कि किसी भी भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिखित चिन्ह होता है, जिसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रत्येक भाषा में इन वर्णों के लिखने की एक विशेष विधि या ढंग होती है, जिसको ही हम लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ इस प्रकार हैं, जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। फिर अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, इन चारों भाषाओं की लिपि रोमन है। अरबी भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है और रूसी भाषा की लिपि रूसी ही है। अब अंत में मैं व्याकरण के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए हम परिचित होते हैं कि व्याकरण से क्या तात्पर्य है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का हमें ज्ञान होता है। इसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के नियम से ही हमें यह ज्ञान होता है कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक है या नहीं है, कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है आदि। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके तीन अंग होते हैं। व्याकरण के ये जो तीन अंग हैं, तो व्याकरण तीन अंगों पर विचार करता है। सबसे पहला वर्ण पर विचार करता है, दूसरा शब्द पर विचार करता है और तीसरा वाक्य पर विचार करता है। वर्ण के अंतर्गत वर्णों की रचना, उच्चारण, वर्गीकरण आदि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, उच्चारण, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का ज्ञान होता है। फिर वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, वर्गीकरण, प्रयोग आदि का हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आइए अंत में हम साहित्य पर भी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को हम साहित्य कहते हैं। यह साहित्य शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। इस साहित्य के निम्नलिखित दो मुख्य रूप होते हैं। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य अर्थात गद्य साहित्य की भी बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, पत्र, डायरी आदि। तत्पश्चात है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के भी अनेक रूप होते हैं, जैसे महाकाव्य होता है, खंड काव्य, गीति काव्य, स्फुट कविता, मुक्त काव्य आदि। तो बच्चों, हमने पहला अध्याय व्याकरण का यहाँ पर स्पष्ट किया और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।